बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई 24/7 के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म की अफगान सदर से मुलाकात मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना है कि ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान सदर की मुलाकात मुतवक्के है। अज़बकिस्तान में दूसरा दिन वज़ीर-ए-आज़म की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अज़बकिस्तान का आज दूसरा दिन है। वो सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कांग्रेस सेंटर पहुंच गए। अज़बकिस्तान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कांग्रेस सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल पहुँचने पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। के चर्चे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आजाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम के लिए पलंदरी में जलसे के दौरान वालिद से वीडियो कॉल पर बात की और इसी वीडियो कॉल की एक तस्वीर अपनी प्रोफाइल पर भी लगा दी। वालिद से वीडियो कॉल और फिर जलसे के शुरका को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक झलक दिखाए जाने के बाद आवाम के रद्द अमल को भी उन्होंने सराहा। सीरीज में बड़ा धचका, T20 पाकिस्तान को हसन अली पहले मैच से आउट। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका लगा है। फास्ट बॉलर हसन अली आज सीरीज का पहला मैच नहीं खेलेंगे, वो बाईं टांग में खिंचाव महसूस कर रहे हैं। मलाला ने अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में बता दिया। नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी तालबा मलाला यूसुफ़ज़ई का कहना है कि इन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीर जारी करते हुए बताया कि उन्हें भाइयों और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का हमेशा ही शौक रहा है। मरियम नवाज कैप्टन बासत अली की शहादत पर रंजीदा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की जानब से कैप्टन बासत अली की शहादत पर शदीद दुख का इजहार किया गया है। इस ज़मन में मरियम नवाज ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर शहीद कैप्टन बासत अली की यादगार तस्वीर शेयर की।